धन्यवाद सर। इस सेशन में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। अपना विषय रखने से पहले, हाल ही में मणिपुर में नूने में जो लैंडस्लाइड हुआ, 61 लोगों की वहाँ पे जाने गई, मैं सदन की ओर से उन सबको रिकॉर्ड में नहीं जाएगा प्लीज करता हूँ। विषय पे आ रहा हूँ सर, आपका बहुत धन्यवाद। नियम 377 के अंतर्गत आपने विषय रखने का मुझे मौका दिया। सर आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की 171वीं जो रिपोर्ट है वो पेश हुई है, और जिसका टाइटल था दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे उसके विशेष रूप में वहाँ उल्लेखित थे। इस रिपोर्ट में दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स के क्षेत्र के जो चाय उद्योग हैं और उस उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी गंभीर समस्याओं को उजागर किया गया है। और सबसे गंभीर समस्या चाय बगान के मजदूरों का प्रजापट्टा, यानी उनकी भूमि अधिकारों से उनको वंचित करना रहा है, जो कई पीढ़ियों से उस चाय बगान के साथ जुड़े हैं। और रिपोर्ट में समिति ने ये भी कहा है कि समिति गंभीरता से चाय श्रमिकों की दुर्दशा और दयनीय स्थिति को संज्ञान में लेती है, और भारत स्वतंत्र के 7 दशकों के बावजूद भी चाय श्रमिकों को उनके मूल भूमि अधिकार से वंचित करने वाली सामंतवादी व्यवस्था की घोर निंदा भी करती है। रिपोर्ट के अगले अंश में समिति ने ये भी कहा है, न केवल जीने के लिए बल्कि अपने मृत परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए भी उन्हें सतत संघर्ष करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है और बहुत ही दुखद है। इसलिए समिति ने सिफारिश किया है कि एक विशिष्ट कानून के अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता है कि चाय बगान से जो श्रमिक जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों और उनकी पैतृक भूमि को, उनके संसाधनों को, स्वामित्व को मान्यता देना चाहिए। इसलिए मैं केंद्र सरकार से एक कानून बनाने का अनुरोध करता हूं, जो चाय बगान और सिंखोना बगान के श्रमिकों के लिए प्रजापट्टा यानी भूमि अधिकार सुनिश्चित करें। जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक 2006 ने हमारे वन बस्ती में रहने वाले लोगों को भूमि अधिकार सुनिश्चित किया, उसी तर्ज पे सरकार चाय और सिंखोना बगान में जो श्रमिक काम करते हैं, जो रहते हैं, उनके लिए प्लांटेशन राइट एक ला करके उनके लिए न्याय सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।